तो आज है हमारे पास बजाज की डोमिनार 250 और आज हम इसका करने वाले हैं इन डिटेल राइड रिव्यू। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इसके प्रोस की बात करेंगे, कॉन्स की बात करेंगे, राइड करने वाले हैं सिटी में, आपको बताऊंगा मैं कि प्रैक्टिकली ये गाड़ी कितनी अच्छी है एंड क्या ये 2 लाख के अंदर सबसे बेस्ट बाई है आपके बंदी के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Here we have the new Bajaj Dominar 250. Looks quite identical to its twin brother Dominar 400. That's because both the bikes shares a lot of parts. Starting with the engine, which is the heart of the bike. The Dominar 250 has a 248cc single-cylinder 4-stroke DOHC 4-valve liquid-cooled twin-spark fuel-injected BS6 engine. That sounds a lot, isn't it? So in simple terms, it's a 248cc liquid-cooled engine equipped with a 6-speed gearbox, which produces 27 bhp at 8500 rpm and 23.5 Nm torque at 6500 rpm. The bike has a beam-type perimeter frame, 37 mm USD forks on the front and adjustable monoshock at the rear. Coming to the brakes and tires, the bike has dual-channel ABS standard with 300 mm front disc and 230 mm rear disc. Both the brakes are good enough in terms of braking and gives confident bites while doing high speed. The company has given 17-inch alloy wheels to the bike with 100 section at the front and 130 section at the back. Both tires are from MRF. The bike weighs around 180 kgs, ground clearance is at 157 mm, which is a bit low in terms of how our Indian roads are. Fuel tank is at 13 liters, which gives you a good range while you are touring, and the seat height is at 800 mm. At the end, the bike is equipped with slipper clutch, all LED headlight, dual port exhaust and LED indicators. So finally we have the Dominar 250 and अभी हम चला रहे हैं इसको inside Pune and it's almost 3:30 in the afternoon. तो traffic थोड़ा कम है but हमको गाड़ी का potential पता लग ही जाएगा. So power is superb, like low end torque and mid काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का. So आपको city या highway में बिल्कुल भी struggle नहीं करना पड़ेगा चेंजिंग गियर्स या फिर आपको ज़्यादा रेव नहीं करना पड़ेगा इंजन. इट्स गिविंग यू प्लेंटी ऑफ पावर. सो प्रैक्टिकली आपको इससे ज़्यादा हाईवे पे आपको लग सकता है कि थोड़ा ज़्यादा पावर होना चाहिए था, बट इन सिटी इट्स मोर देन सफिशिएंट एंड द सिटिंग पोस्चर इज जस्ट सुपर्ब. इट्स सेम एज डोमिनार 400. तो काफ़ी कंफर्टेबल है बाइक. इट्स सुपर कम्फी, काफ़ी अच्छा इसका पोस्चर है, सिटिंग पोस्चर. तो सेम एज डोमिनार 400 क्रूजिंग टाइप का पोस्चर है. स्ट्रेट हैंडल बार्स है तो इट्स वेरी कंफर्टेबल इवन फॉर पिलियन. काफ़ी कंफर्टेबल है. फुट पेक्स रियर सेट नहीं है, इट्स मिडिल. तो आपको कंफर्ट वो भी देते हैं, आपके पैर क्रैम्प नहीं करेंगे अगर आप लॉन्ग ड्राइव ले जा रहे हैं तो. एंड एग्जॉस्ट नोट इज जस्ट स्वीट मैन, स्वीट एग्जॉस्ट नोट. एंड मनूवरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा है गाड़ी का. इट्स वेरी इजी टू मनूवर दिस बाइक. हॉर्न इज ऑल्सो वेरी गुड. यू आर गेटिंग दैट LED इंडिकेटर्स, LED हेडलाइट एंड LED टेल लाइट. तो सब कुछ LED दिया है. दैट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज काफ़ी कंपनियां अभी तक 2020 एंड होने वाला है, आज तक भी सब कुछ LED नहीं देती. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ दे स्टिल गिव बल्ब वाले इंडिकेटर जो बहुत पहले से हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. एंड मिरर्स काफ़ी अच्छा बता रहे हैं व्हाट्स बिहाइंड यू एंड आई जस्ट लव द एग्जॉस्ट साउंड. स्लिपर क्लच काफ़ी अच्छा काम करता है. तो इट्स बेसिकली आपका रियर व्हील अगर आप गलत गियर पे चलाएंगे या छोटा गियर आपने गलती से डाल दिया तो आपका रियर व्हील लॉक होने से बचाता है वो. तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है. साइड स्टैंड सेंसर भी है गाड़ी में. तो अगर आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है तो आप इस गाड़ी को फर्स्ट गियर पर डाल के नहीं चला सकते. इट गेट्स ऑटोमेटिकली कट ऑफ. एंड स्विच गियर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है. गाड़ी का फिट एंड फिनिश इज जस्ट सुपर्ब. Maneuverability is just super man. आराम से कट वट मार सकते हो उस गाड़ी में आप. So why should you buy this bike over any other bike under 2 lakh rupees? So starting with the pros, सबसे पहला जो pro है ये same Dominar 400 जैसी दिखती है. So you are getting that touring वाला feel and उसके साथ साथ एक पहले से काफ़ी टेस्टेड एंड ट्राइड मॉडल है तो आपको सेम डायमेंशन देखने को मिलेंगे. और उसके साथ साथ सेकंड प्रो जो मेरे को लगता है दैट इज द इंजन. सो इंजन इज़ वेरी स्वीट. 250 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है विच कम्स विथ 6 स्पीड गियर बॉक्स एंड ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है जो बजाज के द्वारा बनाया जाता है एंड दिस इज मेड इन इंडिया. तो आपको स्पेयर पार्ट्स एंड आफ्टर सेल्स का इशू नहीं आने वाला. तो दैट्स वेरी गुड थिंग. लिक्विड कूल्ड इंजन है तो आप इसको आराम से टूर पे ले जा सकते हैं. इट्स नॉट गोना डिसअपॉइंट यू. दो चीज़ें सबसे फेवरेट लगती हैं दैट इज द एग्जॉस्ट एंड द हेडलाइट. तो आप देख सकते हैं हेडलाइट फुल एलईडी है. 2 लाख रुपए के अंदर बेस्ट हेडलाइट है किसी भी मोटरसाइकिल में. काफ़ी अच्छा ल्यूमिनेंस है, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है एंड प्रैक्टिकली भी काफ़ी अच्छी है. साथ साथ एग्जॉस्ट इज़ वेरी गुड. आपको एक अच्छा बेसी साउंड देता है वो एंड फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है. जब आप इसको चलाएंगे तो आपको एक बिग बाइक फील देता है टेक्निकली. तो मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी. उसके बाद फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें. तो गेटिंग दैट स्लिपर क्लच, एलईडी हेडलाइट्स, डिजिटल कंसोल 2 हैं. इट्स गिविंग यू एवरी इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट गियर शिफ्ट इंडिकेटर बट दैट्स फाइन. उसके साथ साथ आपको गाड़ी का फिट एंड फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा. यू गेट अलॉय व्हील्स ऑन द फ्रंट, अलॉय व्हील्स एट द बैक, डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड आता है गाड़ी में. तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. सो कमिंग टू द कॉन्स जो बजाज को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए. फर्स्ट थिंग जो पीछे वाला टायर का वेट है वो 130 सेक्शन है, वो 140 एटलीस्ट होना चाहिए क्योंकि गाड़ी का थोड़ा साइज़ बड़ा है. 130 थोड़ा सा पतला दिखता है बट दैट इज समथिंग जो बजाज अपकमिंग मॉडल्स में इंप्रूव कर सकता है. सेकंड थिंग गियर शिफ्ट इंडिकेटर, वो भी आ जाता तो काफ़ी अच्छा रहता बिकॉज जब इतना सब दे रहे हैं तो एक छोटा सेंसर वो भी ऐड कर दो तो वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा. स्पेशल थैंक्स टू साई सर्विस KTM बाकड़ेवाड़ी फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस व्हीकल. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एंड इफ़ यू आर लिविंग इन पुणे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में. यू कैन कॉल देम आउट देयर. सम ऑफ द बेस्ट डील्स ऑन KTM, बजाज, हस्कवर्ना, चेतक. सो एक रूफ के नीचे आपको सब कुछ मिल जाता है. रीसेल फैसिलिटी भी है. सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.